मेरे ठीक पीछे है डीबी मॉल और ठीक सामने देख रहे हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। सूट रूम नंबर 201 तो इस तरह का है। इधर बेड, यहाँ पे पिलो दिया हुआ है और सामने इधर बैठिए आराम से लॉन्ज में। आप लोग खोज खोज के लाते हैं इसलिए कहते हैं मेरा वीडियो देखा करो आप लोग। तो ऋषि भाई को थैंक्स तो बोल दे भाई तुम लोग। गर्मी बहुत है यार, वो भी मध्य प्रदेश में। तो नमस्ते सलाम एंड सत श्रीकाल। जी हाँ, मैं हूँ फिलहाल मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर, जी हाँ ग्वालियर में। और मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन और कुछ इस तरह का मार्केट है ग्वालियर सिटी का स्टेशन रोड। मेरे ठीक पीछे है डीबी मॉल। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जी हाँ ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पे ठीक आपको सामने देख रहे हैं टूरिस्ट सहायता केंद्र ग्वालियर पुलिस। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है टूरिस्ट लोग के लिए। मतलब टूरिस्ट लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन कुछ ले सकते हैं सिटी को लेके। बाकी स्टेशन के अगल बगल में आप देख सकते हैं इस तरह से खाने पीने के छोटे छोटे होटल्स हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं पोहा, जी हाँ एमपी का फेमस पोहा मिल जाएगा आपको। चलिए चलते हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर और आपको दिखाऊंगा एक आम पैसेंजर को क्या क्या सुविधाएँ मिलने वाली है जी हाँ ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। कि गर्मी बहुत है और गन्ने का रस से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और ठीक सामने देख रहे हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ग्वालियर रेलवे स्टेशन कैंपस में अपना नेशनल फ्लैग क्या मस्त लहरा रहा है। हवा चल रही है बट हवा गर्म है। बाकी कैंपस के अंदर एक प्यारा सा मंदिर है। कैंपस इसका देख रहे हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन का कैंपस बहुत लंबा चौड़ा है। और यहाँ देखिए श्रीमद् भगवत कथा का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे। और देखिए भाई टू व्हीलर की पार्किंग देखिए कितनी लंबी चौड़ी है। फोर व्हीलर की पार्किंग है और पहले ज़माने का एक पुराना सा स्टीम लोकोमोटिव रखा गया है ठीक स्टेशन के सामने। और कुछ इस तरह का है जी हाँ अपना ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे इंटर करने के लिए आपको सामने देखा जो मैंने गेट दिखाया था वहाँ से भी आप इंटर कर सकते हैं। एक गेट ये भी है ना सेकंड गेट। एक चीज़ अच्छा लगा मुझे दिव्यांगों के लिए टिकट खिड़की, ये देख रहे सामने। और ऐसा हर रेलवे स्टेशन में होना चाहिए क्या। बाकी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं सामने। यहाँ पे आपको एस्केलेटर भी मिल जाएगा ठीक सामने आप देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है आपको। ये है एक नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे फूड स्टॉल है। फूड स्टॉल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे समोसे हैं, बहुत सारा खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन है, आइसक्रीम है। और देखिए यहाँ पे है और रिटायरिंग रूम डॉर्मेट्री। चलो पहले इसका टूर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसी डॉर्मेट्री में आज मैं ठहरा हूँ। इस लोकेशन से आपको आइडिया हो जाएगा ये डॉर्मेट्री कहाँ पर है। ये यहाँ पे स्लीपर क्लास के लिए यहाँ पे वेटिंग हॉल टाइप का बनाया हुआ है। और ठीक है सामने देख रहे हैं एम दिनशॉ रंजीत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का फर्स्ट फ्लोर पे है। एम दिनशॉ एंड रंजीत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का कहाँ कहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और डबल बेड नॉन एसी रूम एसी रूम की फैसिलिटी कहाँ कहाँ मिलने वाली है इंडिया के रेलवे स्टेशन पे वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बिलासपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, ग्वालियर, जयपुर, तिरुपति, वडोदरा, मडगांव, तिविम, पलक्कड़, टाटा नगर, नासिक, जलगांव, भुसावल, लोनावला, है ना। और सबका नंबर दिया हुआ है तो आप इस चाहे तो उसको पॉज करके आप देख सकते हैं, आप कॉल करके भी बुक करवा सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे और तो भाई सब कुछ इस तरह का है जहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और रूम मिल जाएगा। गुड नेम अमित मांझी जी। और ये मुझे देखते ही पहचानिए, बोले आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो डॉर्मेट्री दिखाए थे वहाँ भी हमें हमारा ये मुझे आइडिया नहीं था कि इन्हीं के कंपनी का है। तो ये बोले कि आपका ब्लॉग देखें बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग। बाकी थैंक यू ब्रो। क्या नाम भाई? शुभम भाई हैं। शुभम भाई आपको यहाँ का महाराजा सूट और डिलक्स रूम दिखाएंगे। तो कुछ ये है महाराजा सूट रूम नंबर 201 तो इस तरह का है। कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी यहाँ पे डबल बेड एक बेड वहाँ पे है यानी तीन बेड हो गया। यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा सोफ़ा सेट दिया हुआ है
दो चेयर है, सामने LCD लगा हुआ है, वार्डरोब भी मिल जाएगा। वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी देख लो यार, वॉशरूम बहुत स्पेसियस है, ये देख सकते हैं। सामने गीजर लगा हुआ है ना, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है। वॉश बेसिन भी देख सकते हैं, वहाँ भी एक ग्लास दिया हुआ है, एक डस्टबिन वहाँ दिया हुआ है, बैठ के नहाने के लिए भी दिया हुआ है, और एक यहाँ पे डस्टबिन है, बड़ा स्पेसियस है। ये है इनका डिलक्स रूम, तो कुछ इस तरह का है डिलक्स रूम। इसमें आप देख रहे हैं डबल बेड है, एक बेड यहाँ से नज़ारा है ना, और ये सामने इस तरह से सोफ़ा सेट दिया हुआ है, और सोफ़ा सेट भी चाहे तो एक आदमी लेट कर आराम कर सकता है। और दो चेयर यहाँ पे है, टेबल दिया है खाने पीने के लिए, सामने एक LCD है ना, और बाकी बेड के दोनों बगल में आप वार्डरोब देख सकते हैं। हाँ, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक वार्डरोब है, और पेंटिंग्स देख रहा हूँ दीवार की, पेंट इतनी खूबसूरत लग रही है। और छलिया बाड़ी है, यहाँ पे एक डस्टबिन है। ये है इनका वॉशरूम, और वॉशरूम भी देख रहा हूँ स्पेसियस है। सामने यहाँ पे वॉश बेसिन, बकेट दिया हुआ है, एंड गीजर है। इनका डॉर्मेट्री जहाँ मैं ठहरा हूँ, और मेरा है D9, और इस तरह का देख रहे हैं। ये डॉर्मेट्री देखने के बाद आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन याद आ रहा होगा, है ना, ठीक इसी तरह का बनाया हुआ है वहाँ भी। सामने देख रहे हैं बेड, यहाँ पे पिलो दिया हुआ है, और सामने मिरर है, वार्डरोब, इंटरकॉम भी दिया हुआ है। अब रिसेप्शन पे कॉल करके कुछ भी आप खाने पीने का चीज़ मंगा सकते हैं। इस तरह के एक रूम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉर्मेट्री बेड है, 6 लोग का ग्रुप है ना, इस एक रूम में सेटल हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पे एक डस्टबिन है, ठीक है, AC बहुत चिल्ड कर रहा है, ठंडा कर रहा है। बाकी देखिए, एक वॉशरूम इधर है, और एक वॉशरूम इसमें कोई गया हुआ है ना, बाकी दो वॉशरूम मिल जाएगा, और साफ़ सफाई हम सब। और यहाँ पे इनका टैरिफ दिया हुआ है, हाँ भैया सिगरेट उगरेट मत पीना, 500 रुपये फ़ाइन है। देखो उन्होंने पहले अपने दिखा दिया है ना, ये गलती मत कीजिएगा, जैसे ट्रेन में भी फ़ाइन है, यहाँ भी फ़ाइन है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आवर्स 6 आवर्स 9 आवर्स 12 आवर्स 24 36 आवर्स 48 आवर्स, सबका अलग अलग टैरिफ है। जैसे आप अगर डॉर्मेट्री लेते हैं तो 3 घंटे के लिए आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 162, 6 घंटे के लिए 262, 9 घंटे के लिए 362, वैसे पूरा रेट दिया हुआ है, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। और डिलक्स रूम अगर 3 घंटे के लिए लेते हैं तो 584 है ना, 6 घंटे के लिए 808 रुपये। महाराजा सूट भी है इनके पास, जो आपको 3 घंटे के लिए 808 रुपये, 6 घंटे के लिए 1032। इस तरह से मतलब जैसे जैसे घंटा बढ़ता जाएगा, 3-3 घंटे वैसे वैसे टैरिफ दिया हुआ है ना। रिजर्व लॉन्च, चलिए इसको देखते हैं क्या है अंदर। तो ये कुछ इस तरह का है रिजर्व लॉन्च, है ना। अच्छा ये मैडम बुकिंग कहाँ पे, काउंटर नहीं दिख रहा इधर, आप ऐसे ही बैठ गए। मैं भी मैं एंटर किया, मैं चला सी लॉन्च है, बाय। क्या क्या चीज़, अच्छा मम्मा, अच्छा अच्छा एक्सक्लूसिव लॉन्च बना हुआ है, और खास तो तुम्हें अच्छा क्या लगा ना, वहाँ पे कोई 10 रुपया या 60 रुपया 50 रुपया ऐसा नहीं मांगा जा रहा, कोई डिमांड नहीं है। अपर क्लास वेटिंग हॉल, यहाँ पे भीड़ देख सकते कैसी भीड़ है, और यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं। चलो चलो तुमको बैठाते, उठो उठो जल्दी उठो उठो यहाँ से, तुमको ऐसा जगह बैठाएंगे ना। चलो चलो देखो, ये हमारे भाई लोग, चलो हाय करो सबको। ये है ना, ये अपना हीरो अंश। अरे नहीं, अपने लगे ले लो, लगे लो सब, जो कम यहाँ पे वॉशरूम भी है। अच्छा भाई तुम लोग यूज़ किया है वॉशरूम यहाँ का? देखिए जैसे मैं यहाँ पे 3-4 घंटे से करीबन हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी फैसिलिटी मेरे को मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा, AC भी वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। बात है ना वॉशरूम की, तो क्लीन है, नहाने धोने वाला, टॉयलेट का थोड़ा बहुत ध्यान। हाँ हाँ, मतलब देखो ये अंश बोल रहा है, मैं सुबह से हूँ 8 घंटे से, ये है 8 घंटे से हो, ठीक ठाक है, AC काम कर रहा है यहाँ पे, बेकार है। चलो मैं अभी मैं तुम जन्नत दिखाता हूँ, आ जाओ। आइए आप लोग बैठिए, आप लोग कहाँ अपर क्लास वेटिंग हॉल, उधर इधर बैठिए आराम से लॉन्च में। आप लोग खोज खोज के लाते, इसलिए कहते मेरा वीडियो देखा करो आप लोग।
कैसा है ये? अब से हम लोग उसमें से ऋषि भैया जन्नत में लेके आए। ऋषि जन्नत में लेके आए भाई, मतलब यार वीडियो भाई मानना पड़ेगा आपको। चले मिस कर रहे हैं आप लोग। मैंने भी सोचा था कि कहीं पे वो पे वाला सिस्टम होगा कि 10 रुपए घंटा, या जैसे कहते हैं जबलपुर में 10 रुपए घंटा लेते हैं, और जानते हो गुजरात में गए थे अहमदाबाद में 60 रुपीज पर आवर। तो मैंने कहा यार मैं अभी तो जस्ट उतरा हूँ जबलपुर से आया हूँ, वहाँ पे 10 रुपए घंटा, अरे 7 रुपए घंटा या फ्री। तो ये है ग्वालियर, यहाँ फ्री में रहिए। ये महाराजा खां, तो ऋषि भाई को थैंक तो बोल दे भाई तुम लोग। जब आप पूरा देखिएगा।